हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अरन डोरी में। और आज की स्टूडियो में हम आप लोगों को बताएंगे भिन्नों का लसा और मसा ज्ञात करना। दोस्तों ये बहुत ही इजी होता है, अगर आप हमारी वीडियो पूरी लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4, 4/5, 7/60। इसका मसा ज्ञात करिए। तो दोस्तों अगर आपसे कहीं पर भी ये फ्रैक्शन का मसा ज्ञात करने को बोले तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है भिन्नों का मसा ज्ञात करिए इक्वल टू, हम क्या करेंगे, मसा अपॉन लसा कर देंगे। देखिए जब आपसे फ्रैक्शन का मसा पूछेगा तब आप मसा को लसा तो कर देंगे, लेकिन जब आपसे फ्रैक्शन का लसा पूछेगा तब आप क्या करेंगे, तब हम करेंगे भिन्नों का लसा ज्ञात करिए इक्वल टू लसा अपॉन। तो अभी तक तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि अगर हमसे फ्रैक्शन का मसा पूछेगा तो हम क्या करेंगे, मसा अपॉन लसा करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का हम मसा निकालेंगे मींस एचसीएफ और डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे मतलब कि लसा। और अगर हमसे फ्रैक्शन का लसा ज्ञात करने को बोलेगा तो हम लसा अपॉन मसा करेंगे मींस अपने नॉमिनेटर का हम एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि फ्रैक्शन का मसा, मतलब हमसे जो भी पूछेगा उसे हम ऊपर रखेंगे और जो हमसे नहीं पूछेगा उसे हम नीचे रखेंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि मसा ज्ञात करिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मसा अपॉन लसा। तो आइए पहले हम अपने नॉमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने का रूल क्या होता है कि किसी एक संख्या से हमारे तीनों में भाग जाना चाहिए तभी तो कॉमन होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन हो। तो अगर हम 2 लेंगे तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं डिवाइड होगा, 7 नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 1 खुद ही छोटा है। और अगर हम 7 लेंगे तो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं डिवाइड होगा, 1 नहीं डिवाइड होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें हमारी एक संख्या से तीनों में भाग ना जाए, चाहे जितना भी नंबर हो अगर उसमें भाग ना जाए, तो हम क्या करेंगे, अपना एचसीएफ 1 मानेंगे। तो हमारा 1/4, 7 इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा 1। अब आइए हमने अपने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए रूल क्या होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो कौन सी है, 60 है, 4 से डिवाइड होगा कितने बार में, 15 बार में, 15 4 जा 60 और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 12 बार में, तो 12 5 जा 60 और हमारा 60 से भी डिवाइड हो जाएगा 61 जा 60। तो जब ये तीनों से डिवाइड हो गया है तो हमारा 4 5 60 4 5 60 इसका एलसीएम क्या होगा, 60। तो हमारे फॉर्मूले में क्या है, मसा अपॉन लसा। तो हमारा मसा कितना आया है, 1 आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन। अब हमारा एलसीएम कितना आया है, मतलब लसा कितना आया है, 60, तो अपॉन 60 कर देंगे, मतलब कि 1/4, 4/5,
upon 3, 1 upon 9, 1 upon 27. इसका हमें लासा गैप करना है. मीन्स ऐसे अब तो भी हमने आप लोगों को बताया कि अगर आपसे फ्रैक्शन का लसा ज्ञात करने को बोलेगा तो हम लसा अपॉन मसा करेंगे. मीन्स नॉमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे. तो जब यहाँ पर हमारा नॉमिनेटर 1 है तो इसका एलसीएम क्या होगा, 1 होगा, 1 1 1. इसका एलसीएम हो जाएगा 1. अब आइए हम अपने डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर हम आप लोगों को डिवाइड मेथड से एचसीएफ निकालना बताएंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. तो आइए निकालते हैं 3, 9, 27. अब ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे. तो अगर हम 2 लेंगे तो 2 से कोई नहीं डिवाइड होगा. फिर हम 2 से बड़ा प्राइम नंबर लेंगे 3, तो 3 से ये तीनों डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लेंगे 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27. अब कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 9 27. 3 9 27 का एचसीएफ क्या होगा, हो जाएगा 3. तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा एलसीएम कितना है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन और हमारा एचसीएफ कितना है, 3 है, तो हम 1 अपॉन 3 कर देंगे. दोस्तों जो हम आप लोगों को बता रहे हैं ये 5 तक के बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये तो 5 तक के बच्चों को आना ही चाहिए. अगर उन्हें नहीं आ रहा है तो वो मेहनत करें. आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 6, 7 अपॉन 8, 9 अपॉन 10. इसका हमें मसा ज्ञात करना है. मीन्स एचसीएफ. तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगर आपसे पूछेगा फ्रैक्शन का एचसीएफ तो आप क्या करेंगे, मसा अपॉन लसा करेंगे. मीन्स जो हमसे पूछेगा उसे हम ऊपर रखेंगे और जो हमसे नहीं पूछेगा उसे हम नीचे रखेंगे. तो आइए हम पहले नॉमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेते हैं. तो जब हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे 2, तो 2 से कोई नहीं डिवाइड होगा. तो हमारा एचसीएफ में नेसेसरी होता है कि कॉमन होना चाहिए, तो हमारा कॉमन तो होगा नहीं. फिर हम लेंगे 3, तो 3 से ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, लेकिन 5 और 7 नहीं डिवाइड होगा, तो भी कॉमन नहीं होगा. लेकिन कॉमन होना नेसेसरी होता है. और एलसीएम में कॉमन होना नेसेसरी नहीं होता है. एलसीएम में हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम पावर ले लेते हैं और जो बचता है उसे भी ले लेते हैं. तो मींस 3 5 7 9 कैसे अब क्या होगा, 1 होगा. जितना हमारा जो नंबर है अगर उसमें किसी एक संख्या से भाग नहीं जाता है तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है. मीन्स 3 5 7 9 इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा. अब आइए हम अपने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं. तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए. तो अगर हम 10 लेंगे तो 4 6 8 इससे 10 डिवाइड होगा, नहीं होगा. सिर्फ 10 से हमारा 10 डिवाइड हो जाएगा. तब हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीपल करेंगे. तो 10 2 जा 20, तो हमारा 4 से सिर्फ 20 डिवाइड होगा. और 6 से 8 से डिवाइड होगा 20, नहीं होगा. और 10 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 10 का यह मल्टीपल है. फिर आइए हम 30 ले लेते हैं. 10 3 जा 30, तो 6 से हमारा 30 डिवाइड हो जाएगा. और किसी भी संख्या से 30 डिवाइड होगा, नहीं होगा, सिर्फ 10 से होगा. तो अगर हम ऐसे करेंगे तो करते रह जाएंगे. तो आइए अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं फटाक से डिवाइड मेथड से. तो यहाँ 2 लिखेंगे. हम आप लोगों को ये डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि अगर आपको ये डिटेल में जानना है एलसीएम तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. इसे हम डायरेक्ट करेंगे, हमें फास्ट करना है. तो आइए करते हैं. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे. 2 1 जा 2, यहाँ 3 उतार देंगे. 2 2 जा 4, यहाँ पर 5 उतार देंगे. तो अगर हम लिखेंगे 2 3 2 5, अगर हम लिखेंगे तो हमको ज्यादा समय लगेगा, वही आएगा. तो लिखने का मतलब कोई तो है नहीं.
तो आइए हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4 4 3 4 12 12 2 4 24 24 5 4 120 means 4 6 8 10 इसका एलसीएम क्या होगा? हो जाएगा 120। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? मसा पूछा है means HCF। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? HCF equal to, अब यहाँ पर हमारा HCF कितना है? 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। और हमारा LCM कितना है? 120 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 means कि 3/4 5/6 7/8 9/10। इसका HCF कितना होगा? 1/120। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6 15/8 or 25/32। इसका मसा और लसा, इसका हमें मसा और लसा दोनों निकालना है। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछे किसका मसा निकालिए, तो आप क्या करेंगे कि ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम निकालेंगे। फिर आपसे बोले किसका लसा निकालिए, तब आप क्या करेंगे कि ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। तो वही तो बात हुई, हम ऊपर का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकाल देंगे और नीचे का भी एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकाल देंगे। तो इसको हम आप लोगों को एक ही विधि से बताएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि हम एक ही विधि से कैसे निकालिए हैं, तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए पहले हम 5, 15, 25 का LCM दोनों निकाल लेते हैं। 5, 15, 25 तो अगर हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे 2, तो 2 से कोई नहीं डिवाइड होगा। फिर अगर हम लेंगे 3, तो 3 से 15 डिवाइड होगा और कोई नहीं डिवाइड होगा। अब हम उसके बाद लेंगे 5, तो 5 से ये तीनों डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5, 5 1 5, 5 3 15 और 5 5 25। अब हमारा आ गया 1 3 5। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? नहीं है। मीन्स हमारा नॉमिनेटर का एचसीएफ कितना आएगा? 5। अब जब हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो वही आएगा, तो हमें लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। आइए हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 3 15 और 15 5 75। मीन्स हमारा नॉमिनेटर का एलसीएम कितना होगा? 75। अब हमने नॉमिनेटर का एलसीएम एचसीएफ तो निकाल लिया, अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो 6 8 32 32। जब हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे 2, तो 2 से ये तीनों डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2, 2 3 6 2 4 8। अब यहाँ पर 16 ले लेंगे, क्योंकि 2 1 2 और नीचे बचेगा हमारा 1, फिर 2 को उतारेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 12। अब हमारा आ गया 16। तो क्या आपको ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? नहीं है। मीन्स हमारा डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना होगा? आ जाएगा 2। अब जब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ा देंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो आइए यहाँ पर जब हम 2 लिखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं। फिर 2 2 4 2 8 16। फिर यहाँ पर 2 लेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो 2 1 2 और 2 4 8। फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे? 2, तो यहाँ 3 उतार देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब जब हम यहाँ पर 3 लेंगे 2 लेंगे तो वही आएगा, तो लिखने का मतलब है नहीं, हमें फास्ट करना है। तो हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2
48 टू जा 96, तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर का 96। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, हमने ये तो निकाल लिया लेकिन हम अपने आंसर को कैसे लिखेंगे, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा मासा, तब हमारा नॉमिनेटर का एलसीएम कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएफ इक्वल टू 5 अपॉन, अब हमारा डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है 96, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 96। अब हमारा इसका एलसीएफ आ गया 5 अपॉन 96। अब आपसे पूछेगा इसका लसा क्या होगा, तो नॉमिनेटर का हमारा एलसीएम कितना है 75, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 75 अपॉन, अब हमारा डिनोमिनेटर का एलसीएफ कितना है 2 है, तो हम अपॉन 2 कर देंगे, मींस 5 अपॉन 6 15 अपॉन 8 25 अपॉन 32, इसका एलसीएफ क्या होगा 5 अपॉन 96 और इसका एलसीएम क्या होगा 75 अपॉन 2। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो करिएगा लाइक, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आप मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।